देखिए जी, अब हमने फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 1000। इसको हम कौन से मेथड से करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से। एक सिंपल डिजिट है, इवन नंबर है, तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमारे पास 1000, ठीक है, इवन है, ऑड है, इवन है। ठीक है, 2 पे डिवाइड होगा। यस, देखिए कैसे, 2 5s आर 10 एंड 2 0s हियर। अगेन 2 पे डिवाइड होगा। यस, कैसे, 2 2s आर 4, 1 चला गया, 10 हो गया। यस, 2 5s आर 10 एंड 0 0 पे अगेन 2 पे डिवाइड होगा। यस सर, यस, 2 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 10, 2 5s आर 10। अब देखिए 2 पे डिवाइड होता है नहीं सर, क्योंकि ये अब इवन नंबर नहीं रहा। 3 पे डिवाइड होता है नो सर, नहीं होता, क्योंकि 5 प्लस 3 8 होता है और 8 2 पे डिविजिबल नहीं है। 4 पे तो होता ही नहीं है क्योंकि ये अब 8 है, अब 5 है, इसके अलावा 5 है तो 5 पे डिवाइड होता है। ठीक है, देखें 5 2s आर 10, 2 इधर चला गया, 5 5s आर 25। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखें, अब 5 पे अगेन डिवाइड होगा, 5 5s आर 25। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 5s 5। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 इज क्या है, 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 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
टू भी हमारे पास कितने हैं डिजिट यहाँ पे थ्री और फाइव कितने हैं थ्री है ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू की पावर थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर थ्री ठीक है। टू का क्यूब एंड फाइव का क्यूब ये हमारे पास आ गया 1000। अब देखें अब हमने क्या करना है दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेते हैं ठीक है। टेकिंग बोथ साइड क्यूब रूट ऑन बोथ साइड देखिए इसका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1000 और ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब ठीक है। अब ये सेपरेट भी हो सकता है क्यूब रूट 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। अब ये किससे कैंसिल ये कैंसिल पीछे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या आया 10 आंसर सही है।